गुड गुड गुड, उठा 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 उठा, अबे हिला तो ले यार भाई। हाथ क्या हाथ ही नहीं घुस रहा ना यार, तो उठाना पड़ेगा ना। उठा उसको, उठा 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 क्या हो गया उठा उठा उठा, जो लगा लगा ताकत लगा तुझे, तेरे चौमिन मोमो की कसम, उठा निकाल। हद होती है यार, पूरी गाड़ी घुसेड़ दी इसने। निकाल निकाल निकाल, ते तूने डाली तू ही निकालेगा। नहीं स्टार्ट मत कर, अभी स्कूटी खड़ी कर ली है, 2 किलोमीटर आने के बाद यहाँ पे स्कूटी खड़ी की और उसके बाद आगे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से आगे रास्ता नहीं है जाने का स्कूटी का। जाने के बचाओ, 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 जाने के पक गया। बचाओ, बचाओ तेरे को, हाँ बचेगा। और ओके, सो वेलकम टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली डूइंग वेल। सो आज है 25 अगस्त 2019, सो आज हम लोग निकले हुए हैं सूर्या देवी टेम्पल के लिए। जैसा आप देख सकते हैं पीछे से घनघोर जंगल, ये है सूर्या देवी का रास्ता। सो सूर्या देवी जो है अप्रोक्स पड़ेगा हल्द्वानी से 12 या 13 किलोमीटर की दूरी पे, चोरगलिया से थोड़ा सा पहले ही इस अंदर को रास्ता गया हुआ है जो अभी मैंने आपको गेट दिखाया। सो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। वीडियो आज की इसलिए भी थोड़ी सी खास होने वाली है क्योंकि मैंने मार्केट से परचेज़ किया हुआ है वीवो का Z1 Pro। सो ये फ़ोन मैंने इसलिए परचेज किया हुआ है अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। सो आज चेक भी कर लेंगे साथ साथ में इस फ़ोन की जो है वीडियो क्वालिटी कैसी है। सो अभी फ़िलहाल जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वीवो के Z1 Pro से 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड में। सो इसमें 4K का भी ऑप्शन है बट आगे कभी करेंगे सब कुछ चेक, स्लो मोशन, टाइम लैप्स जितना भी होता है इसमें सब कुछ चेक करेंगे, इमेज क्वालिटी भी चेक करेंगे। सो ये है रास्ता सूर्या देवी मंदिर का और पंकज भाई हमारे साथ में हैं, आए तो बोल दे। सो निकलते हैं अभी हम सूर्या देवी टेम्पल के लिए। ओके, सो अभी हम लोग हैं सूर्या देवी के जंगलों में और करीबन जो मेन गेट है वहाँ से हम लोग 1 या 1.5 किलोमीटर हम लोग आगे हैं। सो पंकज जो है ये आगे से स्कूटी लेके जा रहा है और मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ क्योंकि स्कूटी की बस की नहीं है यहाँ पे दो सवारियों को खींच पाना। और ये देख लीजिए नीचे से इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। पंकज कह रहा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैंने कहा नहीं, क्या कह रहा था तू आगे, मज़ा आ रहा है रास्ते में, क्या करे रास्ता यार ऐसे सो ऐसा ही है कुछ रास्ता। सो यहाँ जो है श्रद्धालु आते हैं तो ट्रैक्टर से आते हैं और कहाँ का अपनी पहाड़ की याद आ गई, इसको अपने पहाड़ की याद आ गई। सो अभी चलते हैं क्योंकि लोग यहाँ ट्रैक्टर से आते हैं तो उतना महसूस नहीं होता, बट अगर आप स्कूटी और मोटरसाइकिल से आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत परेशानी होने वाली है। यहाँ कार बिल्कुल भी नहीं आती, यहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर हैं नीचे चेसिस लग जाएगा। हाँ अगर बड़े टायरों की अगर आपके पास 4x4 है सो आप लेके आ सकते हैं, बट यहाँ जो है कार नहीं आ सकती अब निकाल भाई, तू ही निकालेगा इसको, क्या धक्का निकाल। हद होती है यार, पूरी गाड़ी घुसेड़ दी इसने। निकाल निकाल निकालते तूने डाली तू ही निकालेगा। नहीं स्टार्ट मत कर, कैसा लग रहा पंकज मजा आ रहा है, लाइफ में पहली बार, लाइफ में पहली बार घूमने का मौका। चल 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 मैं आ रहा हूँ। 2 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद
गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे स्कूटी अपनी यहाँ पे खड़ी कर दी है, और इससे आगे जो है हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा। सो चलते हैं अभी। यहाँ पे एक छोटी सी नदी है और नदी क्रॉस करके एक्चुअली में जाना है। पंकज भाई जूते उतार लिए इसने, और ये है पीछे से नदी, और यहाँ से कुछ ऐसा है, यहाँ से चारों ओर का नज़ारा, बहुत खूबसूरत जगह है। पानी का भाव बहुत तेज है यार। कैसा पंगा पानी, ठंडा गरम? ठंडा ठंडा। उत्तरी पानी के बचाओ बचाओ बचाओ, पानी की पक गया। बचाऊं बचाऊं तेरे को? हाँ बचेगा। और नदी पार करने के बाद ये है कुछ रास्ता सूर्या देवी मंदिर के लिए, और पंकज भाई हमारे आगे आगे से चले जा रहे हैं। ये छोटा सा पानी का झरना, एक साफ पानी एकदम, और ये आगे से रास्ता इस साइड जाना है। और कैसा लग रहा है? बढ़िया, आपके साथ आके बहुत अच्छा लगा मैं। हाँ बहुत अच्छा, थोड़ा कैमरे की ओर मुंह कर दे। आपके साथ बहुत अच्छा लगा मैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमें अपने चैनल में करने के लिए। नमस्कार स्वामी जी। सो फाइनली पहुंच गए हम लोग जय माँ सूर्या देवी, नशे का सेवन ना करें। और मैंने पीछे भी काफ़ी जगह देखा, कुछ लोग जो है इतनी खूबसूरत जगह को भी गंदा करने में लगे रहते हैं। पीछे डिस्पोजल बियर की बोतलें, शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। सो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप लोगों को एंजॉय करना है तो अपने घर पे कीजिए। ऐसे पवित्र स्थान पे आके अगर आप इतनी खूबसूरत जगहों का अगर ख़राब करते हैं तो आपसे बुरा कोई नहीं। सो थोड़ी दूर है माँ सूर्या देवी का मंदिर, और उसके बाद दर्शन करते हैं वहाँ मंदिर के। लेकिन नदी पार करने के बाद भी कम से कम आधा किलोमीटर का ट्रैक और है। और ये पीछे से नज़ारे देखो यार, प्योर जंगल। और वहाँ से जब मेन एंट्री से जब हम लोग अंदर आए, उसके बाद से लेके अभी तक एक इंसान हमको यहाँ नहीं मिला। सो ये बड़ी अजीब सी बात है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सूर्या देवी मंदिर पे, और जैसा आप ये देख सकते हैं, ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने सूर्या देवी का मंदिर है। बट हम पहले वहाँ जाएंगे ऊपर, ऊपर कोई आश्रम है
यहाँ, क्योंकि अभी पब्लिक ज़्यादा है, 4-5 लोग हैं, तो यहाँ पीछे एक आश्रम है, हम लोग वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर पीछे से यहाँ सूर्या देवी के दर्शन करेंगे। सो पहुँच गए हम लोग फाइनली आश्रम में, और एक मिनट, यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है, ये है जय माँ सूर्या देवी बाबा नौमीदास आश्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सो ये है कुछ यहाँ से नज़ारा, बहुत सुंदर, बीच जंगल में जो ये इतनी खूबसूरत जगह है ना, बहुत खूबसूरत। चल चल, उठा उठा, तेरे बस की है, उठा, शाबाश, जोर लगा के, हाई शा, गुड 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 गुड, उठा 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 उठा, अबे हिला तो ले यार भाई, क्या हाथ नहीं उठ रहा था यार, तो उठाना पड़ेगा ना, उठा उसको, शाबाश, उठा 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 उठा, क्या हो गया, उठा उठा उठा, जो लगा लगा ताकत लगा, तुझे तेरे चौमिन मोमो की कसम, उठा उठा उसको। ओके, सो ये है पत्थर, और कहते हैं कि जो इस पत्थर को पूरा पूरा उठा लेता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। सो ये आश्रम के जस्ट पीछे, अगर आप कभी आएंगे तो एक बार इस पत्थर को ट्राई जरूर करिएगा कि आपसे ये उठता है या नहीं उठता है। सो मेरे तो, सच बताऊँ तो मेरा यहाँ तक हाथ पहुँचने के बाद यहाँ पर मेरा सीना लग जा रहा है, सो मेरे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ओके, सो हम लोग पहुँचे हुए हैं अभी ये आश्रम में, और ये है कुछ यहाँ से नज़ारा, दर्शन वर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं, और अब हम चल रहे हैं नीचे माँ सूर्या देवी के दर्शन करने के लिए। सो चलते हैं अभी, और भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो 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 चलो, जय माता दी, जय माता दी। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे जूते चप्पल उतार लिए, और अब हम जा रहे हैं सामने मंदिर के दर्शन करने के लिए, वो सामने सूर्या देवी माँ का मंदिर, ये है सूर्या माँ देवी का दरबार, और ये नदी है, इस नदी को क्रॉस करके अभी जाना है। सो थोड़े से ये ऊपर कर लेते हैं, चलो ज़्यादा गहरा पानी नहीं है, बस थोड़ा ही है, लेकिन हो सकता है आगे अगर बरसात हो तो पानी ज़्यादा हो सकता है। ये है कुछ ऐसा दरबार, तो मेन मंदिर के हम लोगों ने दर्शन कर लिए, उसके बाद अब एक और मंदिर है ऊपर, थोड़ी सी ऊपर जाके वहाँ भी जाके आते एक बार। सो यहाँ पे है ये
डिस्पोजल का इस्तेमाल ना करें, कृपया कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। ओहो, भोले का मंदिर है। जय हो भोलेनाथ। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं माँ सूर्या देवी के मंदिर पे और दर्शन करके हम लोग जस्ट बैठे हुए हैं। ये सामने देख लीजिए, पीछे सूर्या देवी माँ का मंदिर और जस्ट हम लोग बैठे हुए हैं। और ये सामने देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा, सामने नदी बह रही है और ये पीछे से मंदिर, बहुत सुंदर सा नज़ारा है। ये 12-13 किलोमीटर है हल्द्वानी से। लोगों को चाहिए कि वो यहाँ आए, दर्शन करें, इतनी खूबसूरत जगह के दर्शन करें। बट लेकिन ये है कि सजेस्ट करूँगा कि यहाँ अगर आप लोग आते हैं तो ग्रुप में आइए 10-12 लोगों के। बहुत थोड़ा सा रिस्की है यहाँ रास्ता और ज़्यादातर यहाँ जो है ट्रॉलियाँ आती है। सो शिवरात्रि के टाइम पे बताते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। ये पूरा जितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है मंदिर का प्रांगण, ये पूरा भर जाता है। सो बहुत अच्छी जगह है। और थोड़ा सा अगर मंदिर के इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो बताया जाता है कि जो रामनगर में जो गर्जिया मंदिर है उसी माता का छोटा स्वरूप जो है ये माँ सूर्या देवी मंदिर है। सो मैंने वीडियो के लिए प्रिपरेशन करने के लिए मैंने विकिपीडिया से लेके गूगल तक हर जगह छानबीन की, बट मंदिर के बारे में कहीं भी कोई मेरे को नोट टाइप का कोई लेख कहीं भी मेरे को नहीं मिला। सो इसी वजह से थोड़ी सी जानकारी का अभाव मान लीजिए चाहे जो के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को अगर पता है मंदिर के बारे में तो थोड़ा सा मेरे को भी ये नॉलेज के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दर्शन कर लिए हम लोगों ने यहाँ पे और सामने है माँ सूर्या देवी का मंदिर। सो निकलते हैं अभी हम लोग। और यार अगर चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है चैनल सब्सक्राइब करने में। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। पंकज भाई तेरे को क्या हो गया, मुँह ऐसे क्यों बना रखा है, सही तो क्या बात हो गई? क्या बात हो गई, कुछ नहीं, कोई बात हो गई क्या? क्या बात तो है, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। बिल्कुल। सो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माँ सूर्या देवी, जय माता दी, जय माता दी।